जी सईद साहब, अब बात वही है कि हमारे पास आदाद व शुमार नहीं है, हमारे पास सर्वेज नहीं है, और किसी भी पॉलिसी मेकिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है ये जो फुटवर्क है, ये बहुत ही अहमियत की हामिल होता है। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है ताकि उसके लिए ऑथेंटिक डाटा आप उसके लिए कलेक्ट कर सके, जो फर्दर आपकी पॉलिसीज को बनाने में हेल्प करता है, वो पॉलिसीज ताकि आगे चल के कंक्रीट आपके मैकेनिज्म बना सके। जिस तरह अभी हमने जो लास्ट सर्वे किया सी के ऊपर, उसमें 80% हमारी जो फिश स्टॉक है वो डिप्लीट हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग हमारे लिए अलार्म बेल बन गई। तो इसी वजह से अभी नीमा ने पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर इसके ऊपर काम शुरू किया है, जिसमें जोन्स बनाए जा रहे हैं और जो बन चुके हैं जोन बना के प्रोमलगेट कर दिए, ताकि फिश को आप उन्हीं एरियाज में ले सके जहाँ पे वो अभी अवेलेबल है, जहाँ वो नापैद हो रही है वहां पे मना किया जाए अच्छा ताकि उस फिश के स्टॉक को रिवाइव किया जाए। ठीक है, यानी इकोसिस्टम जो है वो वेल मेंटेन रहे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ इलीगल फिशिंग जो है वो भी बहुत हो रही है, तो उसको रोकने के लिए भी हमारे कुछ सिस्टम्स हैं जो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी जो है उस पर काम कर रही है, उसमें ऑटो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है AIS, वो लगाया जाता है। उससे ये है कि वो तमाम बोट्स की ट्रैकिंग होती है कि जिन एरियाज में उनको अलाउंस दिया गया है वहीं पे वो काम कर सके। तो इस तरह अच्छा की सर, सर ये गवर्नमेंट को कुछ ट्रैकिंग ट्रैकिंग सिस्टम जो है, ये इसमें एक बड़ा मसला जो है वो अवामी मैं कहूँगा कि ये जो बेचारे मछेरे हैं, चाहे वो इंडियंस हो या वो पाकिस्तानी हो, वो एक दूसरे की टेरिटरी में जब चले जाते हैं, हम तो उनको आज़ाद कर देते हैं, ये मीडिया जानता है सब कुछ, लेकिन जो पाकिस्तानी माहीगीर हैं वो सालों बरसों जो हैं डिटेन रहते हैं वहाँ पे इंडिया में जेलों में। तो ये इसके समंदरी हदूद के हवाले से ये जदीद टेक्नोलॉजी है और इसके ऊपर हम पीछे हैं, ये क्या मसला है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? कि जो पुअर फिशरमैन है वो चाहे वो इंडिया की तरफ से उनका ताल्लुक है या चाहे पाकिस्तान की तरफ से ताल्लुक है, तो वो जब एक दूसरे के एरिया को क्रॉस करते हैं तो उनके लिए जो मसाइल पैदा होते हैं जिनमें वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं दोनों साइड से, हाँ तो वो नुकसान एक ऐसा है कि जो ना सिर्फ एक मटेरियल का नुकसान होता है बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन इशू भी बनता है। तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा इज आउट किया गया है कि पाकिस्तान PMSA जो है, जो सरहदों की हिफाजत करती है एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, वहाँ पे उनकी कोस्ट गार्ड के साथ उनका हॉटलाइन होती है। कोशिश ये होती है कि पहले वार्निंग दे के और लोगों को एक साइड से कमी हो जाए। ठीक है, अब इस तरह के वाकयात की काफी कमी हो गई, सही। पहले ज्यादा होते थे। अच्छा, अब ये बताइए सर कि हम जब बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी की और स्पेशली मैरीटाइम इकोनॉमी की, तो इसमें SIFC को लेके, क्योंकि अब तो ड्राइविंग सीट पे SIFC हमें नजर आ रहा है, तो वहां पे कितना इसका स्कोप है? SIFC में इस वक्त जो चार एरियाज हैं जिनके अंदर एक्सप्लोरेशन की जा रही है, उसमें मैरीटाइम से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। तो उसमें हमने ये किया कि हमने SIFC की टीम को मधु किया था नीमा के अंदर, और वहां पे हमने उन्हें प्रेजेंटेशन दी इसके पोटेंशियल के बारे में। तो उसमें एक्वा कल्चर के ऊपर और मैरी कल्चर के ऊपर काफी हेडवे हुआ है, तो जिसमें कि श्रिम्प फार्मिंग काफी तेजी से हो रही है सिंध के अंदर। इसके अलावा जो फिश की स्पेशल जी आवाज आवाज में भी जी आ जी रही है, जी सुन रहे हैं सुन रहे हैं। हाँ, फिशरी से रिलेटेड भी काफी बेहतर जो है ना वो पॉलिसीज बनाई गई हैं, और उसको अभी एक्सपोर्ट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैं एक कंपैरिजन छोटा सा दूं कि जो श्रिम्प है वो अगर हाँ एक एकड़ में जो उसकी पैदावार है और उसको अगर गंदम के साथ हम मुवाजना करें तो 1 से 20 की रेशियो बनती है तकरीबन प्रॉफिट की।
और इसी तरह फिश के अंदर भी तकरीबन 1 से 12 टाइम्स प्रॉफिटेबिलिटी। यकीनन बड़ी इसमें बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है, पाकिस्तान की जो सी फूड एक्सपोर्ट है, और जब एक पूरे अम्ब्रेला, चाहे हम ब्लू इकोनॉमी की बात करें या फिर हम मैरीटाइम इकोनॉमी की बात करें, तो बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान को आगे लेकर जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वाइस एडमिरल अहमद सईद रिटायर्ड, जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के, और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी के पोटेंशियल की, पाकिस्तान में मैरीटाइम इकोनॉमी के पोटेंशियल की। यकीन ये पाकिस्तान को आगे लेकर चल सकती है।